नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूँ आपके साथ में विनाश चंद्र रवंशी। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, जो कि नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। दरअसल नेशनल हाईवे और सर्विस रोड के बीच में जो वाहन चालक हैं, जो नेशनल हाईवे पर चलने वाले जो लोग हैं, जो ट्रक चालक हैं, वो यहीं पर गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये कोई गाड़ी खड़ा करने की कोई जगह है जहां पर गाड़ी जो है लोग खड़े कर रहे हैं, और इन बड़े बड़े शोरूम के सामने जो ट्रक हैं उनके, वो इस तरह से नेशनल हाईवे के किनारे रोड पर ही गाड़ी खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की ट्रैफिक समस्याएँ होती हैं, कई तरह की दुर्घटनाएँ होती हैं। इसके साथ साथ जहाँ सिग्नल तोड़ने पर हमको आम आदमी को चालान का जो मार है वो झेलना पड़ता है, लेकिन नालियों को तोड़ने पर किसी भी तरह की कोई विशेष कार्यवाही जो है नेशनल हाईवे के द्वारा या फिर यातायात के द्वारा या फिर चूंकि निगम क्षेत्र के अंतर्गत है तो निगम क्षेत्र के द्वारा भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जाती। ये जो बड़े बड़े शोरूम के जो ट्रक हैं वो इसी सर्विस रोड पर खड़े होते हैं, जिससे इसके जो ट्रक हैं, जो मालगाड़ी जो आती है इसमें, वो सर्विस रोड पर खड़ा होते हैं, और सर्विस रोड पर खड़े होने की वजह से, भारी वाहनों की वजह से, इन नालियों की स्थिति देखिए किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये नाली पूरी तरह जर्जर होकर टूट चुकी है, इसके दीवार टूट चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी किसी भी तरह की कार्यवाही करने वाला कोई नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार होगा शहर में? यहाँ पर ये जो बड़े बड़े शोरूम है रिंग रोड पर, नेशनल मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे जो कि राजधानी रायपुर से होकर गुजरती है, यहाँ पर जो बड़े बड़े शोरूम है, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे शोरूम हैं जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, ट्रकें हैं उनकी, वहाँ की भी गाड़ियाँ खड़ा होती हैं, वहीं नेशनल हाईवे से गुजरने वाले कई ट्रक जो हैं इस रोड पर ही खड़े हो जाते हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी समस्या होती है। आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसे चालकों पर, ऐसे वाहन मालिकों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। अभी आप देख लीजिए कि इस नाली की स्थिति क्या हो गई है, सड़क की स्थिति क्या हो गई है। सड़क के एक हिस्से में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आ जाइए, ये देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे में पट्टी के बाहर जो ट्रकें हैं वो कई दिनों से यहीं पर खड़ी हुई हैं। इनका कोई भी है तो किसी भी तरह से कोई विशेष क्यों खड़ा है यहाँ पर, किस लिए खड़ा है, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। यहाँ पर ये ट्रकें खड़ी हुई हैं, ना कोई ड्राइवर मौजूद है, ना कोई कंडक्टर मौजूद है। तो इस तरह जो नेशनल हाईवे पर जो जिस तरह से कब्जा जमाए हुए, एक तरह से पार्किंग बनाकर रख दिया गया है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सड़क दुर्घटना के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई गाड़ी इससे टकराते हैं तो उसकी मौत हो सकती है, वाहन चालक की कोई बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। भले ही ये खबर छोटी है, लेकिन इससे कई बड़ी दुर्घटनाएं जो है हो सकती है। आखिर कब तक जो है इस पर इस तरह की लापरवाही की जाएगी, क्योंकि इससे नालियां जो हैं नेशनल हाईवे के किनारे वो टूट चुकी हैं, और नाली टूटने की वजह से यहाँ पर जब बरसात के दिनों में जो पानी है वो सड़कों पर बहने लग जाता है। ये देखिए किस तरह से पूरा जो नाली है वो जर्जर हो चुका है, और कई सारे ट्रकें यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर के जो रहने वाले आवासी जो लोग हैं, जो सर्विस रोड से गुजरते हैं, उनको आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों किनारे यानी सर्विस रोड पर और रिंग जो हाईवे है उसके किनारे पर इस तरह से जो भारी वाहन खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों ओर जो है तो सड़क के किनारे का जो एरिया है वो दब चुका है, और दबने की वजह से देखिए किस तरह से जो दीवार है धीरे धीरे ध्वस्त होते नज़र आ रहे हैं। सड़क का जो स्थिति है वो गहरा होता नज़र आ रहा है, जिसके वजह से, और ये ट्रकें जो हैं वो रात भर यहीं खड़े रहती हैं, इससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक ट्रक खड़ा हुआ है, हाईवे खड़ा हुआ है, हाईवा खड़ा है, यहाँ पर ये तार जाली से जो लोड है ये ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इन्हीं वजह से सड़क की स्थिति आप देख लीजिए कि आखिर क्या होता जा रहा है। आखिर इन सबका जवाबदार कौन होगा? अगर शोरूम है तो शोरूम अपनी व्यवस्था खुद क्यों नहीं करते हैं, हाईवे पर क्यों ट्रक जो है खड़े हो रहे हैं, ये सारे सवाल खड़े करते हैं। ट्रक कहाँ आई है? अशोक लैंड कंपनी शोरूम में। तो यहाँ खड़ा करने का अनुमति किसने लिया आप? बाकी ट्रक और खड़ा था इसलिए खड़ा किए, पहले और खड़ा था इधर ट्रक, रात में भी, तो इसलिए खड़ा किया। तो ये जब शोरूम में सर्विसिंग के लिए आया तो अंदर क्यों नहीं लगे ट्रक? अंदर जगह नहीं है, थोड़ा देर बाद लूंगा बोला। देख सकते हैं, यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि शोरूम वाले ही ट्रक को जो है हाईवे पर खड़ा करवा रहे हैं, उन्हें यहीं पर पार्क करवा कर रहे हैं। आइए इस विषय पर यातायात के अधिकारी क्या कहते हैं सीधे जानेंगे। रिंग रोड पे जो कुशालपुर से भाटागांव के बीच में जो शोरूम है,
इनकी पूरी ट्रकें सर रिंग रोड पर खड़ी रहती हैं। हाँ हाँ करवाया उसमें कार्रवाई आज अभी भी खड़ी है क्या? अभी पूरी खड़ी है। इससे क्या हो रहा है जो नाली है वो बस पर है। उनको भी लिखे हैं कि जो एजेंसी है ना एजेंसी को टर्मिनेट करो करके भी लिख रहे हैं कि स्पेस नहीं है गलत जगह पे एजेंसी देती है। तो हम सिर्फ नो पार्किंग की कार्रवाई पुलिस कर सकती है जी, बाकी कार्रवाई ना उधर से होना है एजेंसी से होना है। अच्छा कहाँ से होगा वो? हम लोग उसमें लगातार नो पार्किंग की कार्रवाई कर रहे हैं जी। हाँ जी पहले भी किए हैं अभी भी करेंगे जी। ये शोरूम वालों को भी कोई नोटिस दिए क्या सर कि इनकी गाड़ी बाहर? के लिए हमने लिखा है कि कभी भी इनको जो भी वो देते हैं ना लाइसेंस तो स्पेस देख के दें कि बड़ी गाड़ियों का है जी और वहाँ स्पेस है नहीं और बड़ी गाड़ियाँ ट्रकों का एजेंसी तो बाहर रहना चाहिए ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास दें तो ज्यादा अच्छा जी। जी जी ठीक है सर धन्यवाद। अब सोचिए दोनों ओर जब ट्रक खड़े हो जाएंगे तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से? जो कॉलोनियों में रहने वाले हैं जो आवासी लोग हैं यहाँ पर के वो यहीं से गुजरते हैं और बड़े बड़े ट्रक खड़े होने की वजह से सही से सड़क दिखाई भी नहीं देती है। कहीं से भी कोई भी बाउंड्री जो रोड क्रॉसिंग करते हैं उन लोग को भी कई तरह की दुविधा होती है। वैसे ही वाहन चालकों को क्योंकि नेशनल हाईवे है गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है तो कंट्रोल करने में भी समस्या होता है और इससे कई बड़े दुर्घटना जो है इसी रिंग रोड पर मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे जो कि राजधानी रायपुर से गुजरती है उसमें देखने को मिला है।